देश में गाय को लेकर राजनीति बीते कुछ सालों से जोरों पर है। गाय के नाम पर लोगों की हत्याएं तक कर दी जा रही हैं। इस सब के बीच इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ की एक टिप्पणी चर्चा में है। हाईकोर्ट के जज जस्टिस शमीम अहमद ने कहा, गाय को मारने वाला नरक में सड़ता है, इसलिए गौहत्या पर बैन होना चाहिए। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है जहां सभी धर्मों का सम्मान होना चाहिए। गाय वैदिक काल से ही पूजनीय है, इसलिए केंद्र सरकार को गाय को संरक्षित राष्ट्रीय पशु घोषित करने का निर्णय लेना चाहिए। कोर्ट के फैसले पर हिंदू महासभा के अध्यक्ष ने खुशी जाहिर की है। इलाहाबाद हाई कोर्ट का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। और इसके पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने भी बोला था, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दो दो बार बोल दिया। तो निश्चित रूप से मैं केंद्र सरकार से आग्रह करता हूं, निवेदन करता हूं कि जल्द से जल्द गौ को राष्ट्रीय प्राणी घोषित करें। यह देश की हमारी पहचान है गौ, और गौ विश्व से मात्रा पूरे विश्व की माँ है, इसलिए जल्द से जल्द इसको बनाना चाहिए। माननीय कोर्ट का ये निश्चित रूप से जो वक्तव्य है बहुत ही सराहनीय है, और ये होना चाहिए। हमारी सांस्कृतिक जो विरासत की जो पहचान है हमारी गौ माता, उसकी रक्षा होनी चाहिए। इसके लिए जल्द से जल्द एक तो गोरक्षा केंद्रीय कानून सरकार को बनाना चाहिए, और इसी के साथ गौ माता को राष्ट्रीय प्राणी घोषित करना चाहिए। केंद्र की मोदी सरकार और यूपी की योगी सरकार दोनों की राजनीतिक जीत में गाय की बड़ी भूमिका रही है। बीजेपी ने अपने शुरुआती दिनों से ही इसे प्रमुख मुद्दा माना है। यही कारण है कि हाई कोर्ट के फैसले पर बीजेपी नेता भी खुशी जाहिर कर रहे हैं। माननीय उच्च न्यायालय का फैसला स्वागत योग्य है, और व्यक्तिगत तौर से मैं स्वागत करता हूं। और केंद्र सरकार को क्या करना है, पूरे देश की जो स्थिति है उसके क्रम में और कैसे करना है, वो केंद्र सरकार उस पर जवाब देगी। लेकिन मेरा ये मानना है कि फैसले का मतलब हृदय से स्वागत है। मुझे लगता है कि देश की संवैधानिक संस्था है और सरकार के नियम कानून सब पर्याप्त हैं। कोर्ट का अपना निर्णय है, उसने अपने निर्णय दिया है। केंद्र सरकार सोचेगी, विचार करेगी उस पर क्या करना है, क्योंकि आगे बढ़ने से पहले बड़ा कुछ सोचना पड़ता है। और मुझे लगता है कि जो उनका निर्णय है वो कुछ ना कुछ तथ्यों पर आधारित होगा। केंद्र सरकार भी उसे अपने समय पर होगा तो विचार करेगी। शुक्रवार को एक मामले की सुनवाई के दौरान इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आशा व्यक्त की है कि केंद्र सरकार देश में गौहत्या पर प्रतिबंध लगाने और इसे संरक्षित राष्ट्रीय पशु घोषित करने के लिए उचित फैसला लेगी। कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई के दौरान आरोपी मोहम्मद अब्दुल खालिक द्वारा दायर सीआरपीसी की धारा 482 की याचिका खारिज कर दी, जिसमें उस पर उत्तर प्रदेश गौवध निवारण अधिनियम 1955 की धारा 358 के तहत केस दर्ज किया गया था। अदालत ने आरोपी को राहत देने से इनकार करते हुए कहा कि मामले में चार्जशीट को रद्द करने का कदम नहीं उठाया जा सकता, क्योंकि ये प्रथम दृष्टया अपराध का खुलासा करता है।